सारी खाई पूरी चावल की रवि की एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन क्या आपने कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड डाल के कभी खीर ट्राई की है? नहीं ना, तो चलिए आज हम बनाते हैं कॉर्नफ्लोर कस्टर्ड सेवई खीर। और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। चले, खीर बनाने के लिए मैंने लिया है आधा लीटर से थोड़ा कम दूध, और इसमें से थोड़ा सा दूध अलग कटोरी में निकाल के रख देंगे। बाकी दूध को धीमी आंच पे गर्म होने के लिए गैस पर रख देंगे। जब तक ये गर्म होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने बैमिनो की वर्मिचली यूज़ की है, आप चाहें तो दूसरी कोई और पतली सेवैयाँ भी यूज़ कर सकते हैं। एक कड़ी में थोड़ा सा घी डालकर इन सेवैयों को धीमी आंच पर अच्छी तरीके से सुनहरा होने तक भून लें। और साथ ही लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद ना हो तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। छोटे टुकड़े करके इन्हें भी घी में थोड़ा सा भून लें, इससे टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। जिस कटोरी में हमने ठंडा दूध निकाला था उसमें हम डाल देंगे एक चम्मच कॉर्नफ्लोर। इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना आपकी खीर जो है वो काफ़ी गाढ़ी बन जाएगी। और डाल देंगे आधा चम्मच वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। ये दोनों पाउडर डाल के अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। और डाल देंगे उस दूध में जो हमने गर्म करने के लिए रखा था। इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पर बीच बीच में इस तरीके से घुमाते रहिए ताकि पाउडर जो है वो नीचे लगे ना। 10 मिनट बाद इसका कलर जो है वो थोड़ा सा येलोइश दिखेगा। उसके बाद आप डाल दीजिए 4 छोटे चम्मच चीनी, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब डाल दीजिए इसमें भुनी हुई सेवैयाँ और ड्राई फ्रूट्स और अच्छी तरीके से घुमा लीजिए। और 5 मिनट तक धीमी आंच पर ही इसे पकने दे जब तक कि उबाल नहीं आता। आप देख सकते हैं जो सेवैयाँ थी वो थोड़ी सी फूल गई है। 5 मिनट बाद गैस को कर दीजिए बंद और हमारी खीर बनकर रेडी हो गई है। ठंडी होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से गाढ़ी हो गई है और साथ ही साथ खाने में भी उतनी ही यम्मी लगती है। मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।